अदानी ग्रुप द्वारा 12 लाख करोड़ के देश में आए वित्तीय संकट और हिंडबर्ग रिपोर्ट की जांच की जाए, इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए आंदोलन पर उतर आई आम आदमी पार्टी ने वैरायटी चौक में महात्मा गांधी प्रतिमा के आगे यह आंदोलन किया। देश में दिन ब दिन हो रहे निजीकरण और इसके बावजूद हाल ही में अदानी ग्रुप द्वारा किए गए वित्तीय घोटाले को लेकर जो चीजें सामने आई है, इस पर सरकार अब तक क्यों मौन है, जांच क्यों नहीं की गई, इन तमाम सवालों को लेकर और हिंडबर्ग रिपोर्ट की जांच की जाए, इन सभी मुद्दों को सामने रखकर नागपुर के वैरायटी चौक में 12 फरवरी को महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष आम आदमी पार्टी द्वारा तीव्र आंदोलन किया गया। वहीं भारी संख्या में मौजूद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह अदानी ग्रुप ने कृत्रिम रूप से शेयर प्राइस बढ़ाकर बैंक से लोन लेकर किस प्रकार की घोटालाबाजी की गई। हिंडनबर्ग ची रिपोर्ट आली, त्या रिपोर्ट मध्ये त्यांनी नमूद केलं आहे की कशा प्रकारे अडाणी समूहांनी आपला घोटाळा केलाय। यात अडाणी समूहांनी आपले शेअर प्राइसेस कृत्रिम प्रकारे वाढवले, ते शेअर भारतीय सरकारी बँकेमध्ये प्लेस। किंतु इसके बावजूद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर आकाश वैद, पंकज मेश्राम, पीयूष अकारे, कुणाल मंचलवार, संदीप कोवे, पुष्पा ढाबरे, मृणाली वैद, बबलू मोहदीकर, तेजराम शाहू, चेतन निखारे, जहांगीर पठान, डॉक्टर अमय नारनवारे, प्रभात अग्रवाल, रवि गिरोड़े, अनिल सांबे और अन्य अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं जगजीत सिंह, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ट्रेजरर। आज हम लोग यहाँ पर जो देश के अंदर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 70-75 सालों में, 12 लाख करोड़ रुपए का अडानी ने प्रॉब्लम दिया है इस देश के अंदर में, बहुत सारी कंपनीज़ को डुबाया है, बहुत सारी कंपनीज़ को प्रॉब्लम किया है, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बिजली, सड़क, रोड, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज उनको दे दी है। फॉरेन कंट्री में जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर भी उन्होंने अपना जितना भी जा कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कहीं पर हो, जैसा भी उनका। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।